दोस्तों आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने 5 तरह के ऐसे सर्किट ब्रेकर को बताए हैं जो कि ट्रांसफार्मर और इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है। जैसे सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन सा सर्किट ब्रेकर कहाँ पर यूज होता है, तो 5 तरह के ऐसे सर्किट ब्रेकर का नाम बताएं जो कि आपको हेल्पफुल होने वाला है। जैसे पहला ब्रेकर है एयर सर्किट ब्रेकर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ACB बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OCB बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि VCB बोलते हैं। और चौथा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसको हम ABCB बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट और पांचवा है SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्त। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये 110% आपको हेल्पफुल देने वाला है वीडियो, ठीक है दोस्त। आप नहीं जानते हो तो बहुत कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो देर न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आइए हम लोग जान लेते हैं एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। पहला एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है और क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे ये सवाल पूछ दिया जाएगा एयर सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। तो आपको बोलना है एयर सर्किट ब्रेकर लो वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको एयर सर्किट ब्रेकर है ना, लो वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है असमय स्थिति में, यानी मुश्किल समय में या ब्रेक मेक एंड ब्रेक के समय में उत्पन्न होने वाली आर्क को। ये इलेक्ट्रिकल आर्क नॉर्मल एयर के आर्क की मदद से बुझाई जाती है, ठीक है। ब्रेकर के समय प्रोटेक्शन रिल होते हैं जो फॉल्ट के समय इलेक्ट्रिक शक्ति को सप्लाई के अलग 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 कर देता है, ठीक है। इसका उपयोग PCC पैनल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, ठीक है, समझ गए बस। ये जो है, ये जो लो करेंट के लिए हम ये ब्रेकर यूज करते हैं, ACB ब्रेकर, ठीक है। सेकेंड ब्रेकर होगा ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर कहाँ पे यूज करते हैं हम और इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ठीक है दोस्त, आपसे पूछ देगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों इस तरह का ब्रेकर जो है ना, हम आग बुझाने के लिए ट्रांसफार्मर में लगाते हैं और ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रेकर में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं इसको। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें प्रयोग की जाने वाली ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 50 KV होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट वायल माध्यम से खुलते हैं। जब सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट वायल माध्यम में खुलते हैं तो ऑयल के अंदर उत्पन्न आर्क के कारण दोनों कॉन्टैक्ट के बीच ऑयल की अत्यधिक गर्म हो जाता है, इसके कारण ऑयल अस्पष्टित हो जाता है। देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर भी दो तरह का होता है, ठीक है, दो टाइप के मार्केट में आता है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, और दूसरा जो है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये दोनों सर्किट ब्रेकर कहाँ पे यूज होता है, किस लिए यूज होता है, आइए हम लोग जान लेते हैं इसकी डिटेल्स, ठीक है। अभी हम लोग जान लेते हैं बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। दोस्तों बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है, ये इस प्रकार का सर्किट ब्रेकर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल दो प्रकार से किया जाता है। ऑयल का पहला काम सर्किट ब्रेकर में आग लगने से बुझाता है, ठीक है, तथा दूसरा काम सर्किट ब्रेकर में कंडक्टिंग पार्ट को अन्य भाग से अलग रखता है, अर्थात इंसुलेट कर देता है, प्रदान करता है, ठीक है। और दूसरा मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है, ये इसमें बहुत कम ऑयल लगता है, ठीक है, कम मात्रा में ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है सिर्फ 10% ऑयल की ही इस्तेमाल किया जाता है इस ब्रेकर में, ठीक है दोस्त, आपको क्लियर समझ में आएगा बल्क और मिनिमम सर्किट ब्रेकर के बारे में। अगला हम लोग क्वेश्चन जान लेते हैं, अगला ब्रेकर के बारे में जानते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्त। ये ब्रेकर जो है कहाँ पर इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर को हम शॉर्टकट में ABC ब्रेकर कहते हैं। ABC मीडियम और हाई वोल्टेज 22 KV से लेकर 220 KV के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस ब्रेकर में मेक एंड ब्रेक के समय उत्पन्न होने वाले आर्क को एयर के ब्लास्ट से बुझाया जाता है। इसमें एयर को कॉन्फ्रेंस करके टैंक में स्टोरेज किया जाता है और नोजल के द्वारा बहुत स्पीड से स्पार्क बुझाने में उपयोग किया जाता है। किसी भी असमय यानी मुश्किल स्थिति में सुरक्षा के लिए प्रोटेक्टिव रिले होता है जो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों ये एयर ब्लास्ट सर्किट जो है 220
केबी से लेकर 22 केबी के बीच में ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला ब्रेकर हम लोग जानेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो आप डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि इसको शॉर्टकट में VCB बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ये ब्रेकर जो है ना 6.6 केबी से लेकर 33 केबी तक मीडियम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक आर्क को बुझाने के लिए वैक्यूम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं होता है इसलिए स्पार्क जनरेट नहीं होता है। इसमें वैक्यूम का प्रेशर 10-6 ठोस होता है। प्रोटेक्टिव रिले के कंट्रोल पैनल पे लगाया जाता है जो असमय स्थिति में यानी मुश्किल समय में ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दूं VCB के कॉन्टेक्ट में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आप जानते हैं, मैं आंसर दे रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें कि VCB के कॉन्टेक्ट में कौन सा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। जो कि मैंने आंसर दे रहा हूं, आप ये पढ़ के आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। दोस्तों अगला ब्रेकर हम लोग जानेंगे SF6 सर्किट के बारे में, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, SF6 का फुल फॉर्म क्या है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कमेंट में आप ज़रूर बताएं SF6 का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों 33 केबी से लेकर 760 केबी की सप्लाई लाइन में उपयोग किया जाता है। मेक एंड ब्रेक में होने वाले इलेक्ट्रिक आर्क को SF6 गैस से बुझाया जाता है। नॉर्मल स्थिति में SF6 का प्रेशर 6.2 केजी हो जाता है। ऑपरेशन के समय ये प्रेशर 14 से लेकर 17 केजी हो जाता है। ठीक है ना, ये है इंडोर और आउटडोर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन रिले कंट्रोल पैनल में लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है ये ब्रेकर। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं, स्विच और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है, स्विच में और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है, हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो देख रहे हैं स्विच है, MCB ब्रेकर है और IMCCB ब्रेकर है, पैनल से, इसी के बारे में डिफरेंस में हम लोग जान लेंगे। स्विच एक ऐसा उपकरण है, जैसे स्विच के बारे में जानते हैं, ये सिर्फ ये समान स्थिति में सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर समान और असमान स्थिति में ये ऑपरेट होता है। ठीक है ना, फॉल्ट के समय में ये करंट को काट कर देता है। ठीक है ना, और सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल पैनल से भी ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, सर्किट ब्रेकर में मेकिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है। ठीक है, मेकिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आपको बोलना है सर्किट ब्रेकर जब क्लोज होता है तब सबसे पहले करंट की जो किक होती है उस वैल्यू को हम ब्रेक की मेकिंग कैपेसिटी कहा। शॉर्ट सर्किट के दौरान पास होने वाला करंट को तौर पर माना जाता है, जिसकी वैल्यू KA में होता है। ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग कैपेसिटी KA में होता है। फॉल्ट के समय ब्रेकर की करंट स्टेज करने वाले क्षमता को हम ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं, या मैक्सिमम RMS वैल्यू भी कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्पफुल मिला होगा तो मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।